हाँ जी, तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर सैंपल पेपर से ढूंढकर क्वेश्चंस करने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने क्वेश्चन ईमानदारी के साथ ढूंढे होंगे और उसके ऊपर गहराई से चिंतन और मनन भी किया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर नंबर 1। चलो भाई, सैंपल पेपर नंबर 1 बोलो। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। हाँ जी, एक्सप्लेन ब्रीफली रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड स्कैलर चेन एज जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैं पहले ही बोल दूं कि जो भी दिया गया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं फैलाना है। जो इसमें दिया है, कोशिश करना है कि वो ही हम स्टिक बने रहे और इसी से कंपेयर करें। मेन तो कंपेयर है, कंपैरिजन हमारा इससे होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सैंपल पेपर नंबर 1 रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय के बारे में। वैसे हमने क्या पढ़ा था, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयर की औकात, एम्प्लॉय की औकात और शहर के अकॉर्डिंगली। अभी आ जाओ फटाफट इधर, कौन सा पॉइंट है ये रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें कहा गया था एम्प्लॉय को फेयर, रीजनेबल, सेटिस्फैक्ट्री और रिवॉर्डिंग, उनके एफर्ट्स के रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली मिलना चाहिए। कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजिशन, लॉजिकल वेज रेट और बेनिफिट्स भी देगी, और शहर यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंगली भी मिलना चाहिए। इट स्टेट्स दैट द रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। वैसे तो इक्विटेबल पॉइंट जचता नहीं है, क्योंकि इक्विटेबल तो हो ही नहीं सकता। हर आदमी को उसके स्किल के अकॉर्डिंगली पैसा मिलेगा। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेज, ये चलेगा, एंड विच शुड गिव दैम एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द। तीनों पॉइंट क्लब कर दिए गए, बाकी मैंने क्या बोला, हो सके तो प्लीज आंसर अपना इसके अकॉर्डिंगली स्टिक रखना। फिर है स्केलर चेन, द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या फिर बॉटम टू टॉप, दोनों तरफ चल सकते हैं, एंड फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड द सबॉर्डिनेट, सबको ये फॉलो करना पड़ता है। एग्जाम्पल, देयर इज वन हेड ए, ये रहा भैया हमारा ए, हैज टू लाइन ऑफ अथॉरिटी, बोले तो एक हो गया बी सी और डी वाले, और दूसरी लाइन ऑफ अथॉरिटी क्या हो गई, एल एम और एन वाले। इफ सी हैज टू कम्युनिकेट, अगर सी एम से कम्युनिकेट करना चाहता है, पहली बार सेम लेवल के लोग हैं, कर सकते हैं, हाँ, इसे बोलते क्या है, गैंग प्लैंक। तो विद एम हु इज एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, देन ही हैज टू क्या करेगा, वो उसे फॉलो करना पड़ेगा, सी बी से बी ए को ए, इस तरह से कम्युनिकेशन पूरा होगा, तब लोग बात कर पाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। इसका कट शॉर्ट प्लान क्या बनाते हैं, गैंग प्लैंक। तो ये एक एग्जांपल के साथ यहां पर दे दिया गया है। अब तुम देख रहे होगे ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर, 2 पॉइंट दिए, डेढ़ डेढ़ नंबर का है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, जितने पॉइंट हमने यहां मेंशन किए हैं, अगर हम इतने भी लिखते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। जरा आते हैं स्केलर चेन पर। अभी ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, मैसेजेस, रिक्वेस्ट, एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा हैज टू पास थ्रू प्रॉपर चेन ऑफ कमांड। दूसरा, फॉर कन्वीनियंस एंड अर्जेंसी के केस में सेम लेवल के अंदर दो लोग आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जहां भी लगे थोड़ा सा और लिखने का मन कर रहा है, एग्जाम्पल चिपका दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1515, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज बाई द रिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बोलो बेटा, पहले ये समझ लो टेक्निक्स किसकी थी, FW टेलर की। एक मिनट, कौन कौन सी थी ये टेक्निक, अब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वर्क स्टडी के अंदर थी पहली, टाइम स्टडी, फटीग, मोशन मेथड, इसके बाद था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद था मेंटल रिवॉल्यूशन, फिर था डिफरेंशियल पीस वेज, ठीक है ना, नहीं, ऑफ फंक्शनल फॉर्मेशन। फंक्शनल फॉर्मेनशिप को टेक्निक नहीं होती है, एक तरह का फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, किसका, वर्कर्स के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। आगे बोलो, स्टार्ट करो बेटा। आफ्टर कंप्लीटिंग द नोटिफिकेशन
Australia, Sanket came back to India and started a coffee shop, Premium Cold Coffee, in a famous mall in Delhi. Its speciality was the special aroma of coffee and a wide variety of flavors to choose from. Somehow the business was neither profitable nor popular. Sanket was keen to find out the reason. He appointed Ria, an MBA from reputed college, as manager to find out why the business was not doing well. Ria took the feedback from the clients and found out that though they loved the unique aroma of coffee, but were not happy with the long waiting time being taken. Have you underlined karna? Kya problem ho rahi hai? Long waiting time. Being taken to process the order. She analyzed and found out that there were many unnecessary stoppages in between which could be eliminated. हाँ भाई, ये बोल रहा है कि जो अननेसेसरली स्टॉपेजेस हैं उनको हटाना है, यानी ये क्या है, मूवमेंट है ना, अनप्रोडक्टिव. She set up a standard time for processing the order. She also analyzed that there were many flavors of coffee available for which the demand was very less. So she also decided to discontinue some of them. Within a short period, Ria was able to track the customers. Discontinue करनी है कुछ, ये क्या हो गया, simply Vacation. अच्छा, पहला वाला क्या था हमारा, टाइम स्टडी. दूसरा क्या मिला हमें, मोशन स्टडी. और तीसरे में क्या मिला हमें, हाँ भाई, अब आते हैं पहले तो मोशन स्टडी. इट इज अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर डूइंग, भाई जो भी जॉब करना है उसके लिए मूवमेंट क्या होने चाहिए. इट सीक्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब. उससे क्या होगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये तो कहीं भी जोड़ दो, दिमाग बिना लगाए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही आती हैं. फिर टाइम स्टडी, ये क्या है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर्स ऑफ रीजनेबल स्किल एंड एफिशिएंसी टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब. इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स. आ जाते हैं जरा इधर. हाँ भाई, चल देखो, मोशन स्टडी, मूवमेंट ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग जॉब पे फोकस किया जाता है, कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट की जाती है, वेस्टफुल मूवमेंट, एंड डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट, जिससे क्या हो, जिससे कि काम इजी हो. और इससे हम क्या डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्टिव या फिर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को देखते हैं. दूसरा क्या था हमारा, टाइम स्टडी, इसमें दिया हुआ है डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स. दूसरा टारगेट टाइम, और इससे मिलता क्या है, एफिशियंट और इनएफिशियंट वर्कर इससे मिलते हैं. एंड लास्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन, से क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं एक तरह का. हाँ भाई, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरली डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड साइज एंड टाइप एंड बर्डन ऑफ मोर इन्वेंट्रीज आएंगे. अगर ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो जिसमें एक्सपर्ट हो सिर्फ वही बनाओ, बाकी को एलिमिनेट कर दो. इसे क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन. लेकिन अब ध्यान देना, इफ एन एग्जामिनी हैज रिटेन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, फुल क्रेडिट शुड बी गिवन. ये हम पहले ही बात कर चुके हैं. अब यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस की, कितने नंबर थे यहाँ पर भाई. अब यहाँ पर हमें टीचर को तो बता दिया गया कि एनी टू दो पॉइंट लिखने के मिलने हैं. अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब तुम्हें तो पता नहीं है एज अ स्टूडेंट कितने पॉइंट लिखने हैं. तीन तुम्हें मिल गए थे इसके अंदर, तीन तुम्हें मिल गए थे, चार नंबर है, चार नंबर तीन में तो बट नहीं सकते, चार नंबर तीन में तो बटेंगे नहीं, कितने होंगे, दो. तो कोई भी दो पॉइंट तुम यहाँ पर ले सकते हो दो दो नंबर के हिसाब से, क्योंकि क्लियर है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन के साथ कितने कितने नंबर के हो गए, दो दो नंबर के हो गए. नेक्स्ट बोलो, पेज नंबर नाइन्थ का, स्टेट द रोल ऑफ रूट क्लर्क. हाँ भाई, क्या बताता है ये, स्टेप्स बताता है, सीक्वेंस बताता है. तो रूट क्लर्क क्या करता है, ये एक फोरमैन है. इन फंक्शनल फोरमैनशिप इज टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, बोले तो सीक्वेंस या फिर स्टेप. नेक्स्ट, सीधा 17, सेवनटीन में क्या, हाउ डू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर्स इन टेकिंग डिसीजन साइंटिफिकली. इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा, हाँ भाई, साइंटिफिकली डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन की बात कर रहा है. कौन बोलता है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टडी करनी होती है ना. तो आओ देखते हैं, बोल क्या रहा है, हाउ डू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प
मैनेजर्स इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है. अच्छा, लेकिन ये कहाँ से है क्वेश्चन? ये हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ से है? इंपॉर्टेंस पे आओ. इंपॉर्टेंस में दिया साइंटिफिक डिसीजन में हेल्प करता है. कहाँ दिया हुआ है? साइंटिफिक. तो साइंटिफिक डिसीजन कहाँ से आया था हमारा? ऑब्वियसली टेलर से आया था. अब यहाँ देखते हैं साइंटिफिक डिसीजन में हेल्प कैसे करता है, क्योंकि ये बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट होता है और ये लॉजिक लगाता है रेदर देन ब्लाइंड फेथ एंड प्रिंसिपल. आर कैसे? तो आओ देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स मैनेजर्स इन टेकिंग डिसीजंस, साइंटिफिक डिसीजंस एज दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड एम्फेसाइज ऑन लॉजिकल लॉजिक रेदर देन ब्लाइंड फेथ. तो इसने बोला क्या? डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है. तो डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है जो कि एक्सपीरियंस के बेस पर होता है, लॉजिक के बेस पर होता है, कॉज एंड इफेक्ट होने की वजह से. नेक्स्ट, थर्ड, नेम द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट शुड बी एडर्ड टू व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ सच प्रोडक्ट. बोलो. एक मिनट, रिमाइंडर हर द कॉन्सेप्ट ऑफ, कुछ चीजें ऐसी थी देखते देखते उसको रिमाइंड हो रही थी कि हाँ ठीक है आगे. इन मानसर प्रोग्राम फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ऑटोमोबाइल्स कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स वर बीइंग टेलीकास्ट. मतलब एक जगह प्रोग्राम आ रहा था फैक्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स को लेकर, लाइक ऑटोमोबाइल्स कंप्यूटर्स इन सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा था. उसने बोला नेम द टेक्निक, कौन सी टेक्निक है जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है? किसी बात कर रहा है ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट. अच्छा पहले ये बताओ कि टेक्निक्स एक एक करके सारी देख लेते हैं. टाइम स्टडी हो नहीं सकती, फटीग स्टडी भी हो नहीं सकती. मैथड, बेस्ट मैथड बोलते हैं ये, तो इक्विपमेंट्स बोल रहा है, बेस्ट मैथड बोला जाता है वो, है ना. नेक्स्ट, मोशन भी है नहीं ये, एक बार के लिए सिंप्लीफिकेशन को तो छोड़ देते हैं. बाकी मेंटल रिवॉल्यूशन हो नहीं सकता, बाकी कुछ हो नहीं सकता. अब हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड इसके अंदर, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. हाँ भाई, नहीं वो तो हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल को पूरा इकट्ठा बोल देते हैं ना. तो कौन सा प्रिंसिपल है जो इसके बारे में बोल भी रहा है? स्टैंडर्ड मशीन, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, उसको लेके हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे. नहीं, मैंने भी धक्का लगाया थोड़ा सा, है ना. हाँ, धक्के लगाए हुए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसके अंदर है क्या. अब ये है कि हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हैं कि यहाँ ऐसा हुआ है, तो हम समझ लेते हैं कि दो तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या हटा सकते हैं, जो रिमेनिंग बचेगा वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा, है ना. बाकी ये था वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है. तो नहीं, मैं कहता रहा हूँ धक्का ही है थोड़ा सा, पूरे धक्का है और क्या है, क्वेश्चन ही करते. वो स्टार्टिंग में हुआ था ना, जब ये स्टार्टिंग में पहली बार आए थे ना तब के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद तो ऐसे आते ही नहीं क्वेश्चंस. स्टार्टिंग में तो टीचर से भी गलतियां बहुत हुई थी. क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, तुम पेज नंबर बता रही हो, क्वेश्चन बता रही हो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2121, पेज नंबर 2121. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अडॉप्टेड बाय अपार फाउंडेशन. वैल्यूज कोर्स में है नहीं. बोलो. अपार फाउंडेशन इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन विद मेडिकल नीड्स, द होमलेस एंड द विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. अपार्ट फ्रॉम डोनेशंस इन कैश, दे कलेक्ट ड्राई राशन, ओल्ड क्लोथ्स, शूज, टॉयज, बुक्स एंड मेडिसिन फ्रॉम डोनर्स. एट अपार फाउंडेशन ऑफिस इन भोपाल, द मटीरियल कलेक्टेड इज सेग्रीगेटेड, क्लासिफाइड एंड पुट इन शेल्व्स एंड बॉक्सेस दैट आर लेबल्ड सिस्टमैटिकली. There is a specific place for each of these items and volunteers put everything at their respective places. हाँ भाई रुक जाओ, अब यहाँ पर उसने क्या बोला? हर चीज अपनी जगह पर. Order. क्या बन गया ये? Order. हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए, material हो या people हो. The volunteer work is divided into specific jobs like function. जैसे उसने बोला कि divide काम को बांट दिया गया, ये क्या बन गया? Division of work. Fundraising, field visits, social media updates and so on. Each volunteer is part of a particular team. कितने नंबर है? तीन नंबर है. अब तो दो हट गए, तीन नंबर का बचा क्वेश्चन. तीन नंबर के क्वेश्चन में कितने कितने डेढ़ नंबर के होंगे? दो पॉइंट होंगे डेढ़ नंबर के. दोबारा बोलो, कौन सा वाला पॉइंट बोल रहे हो? एक मिनट, ईच वॉलंटियर्स सही है,
अच्छा, ईच वॉलंटियर इज अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर टीम डिपेंडिंग ऑन देयर कॉम्पिटिटिव. तुम क्या कहना चाह रहे हो इससे, बोलो ना. नहीं, वो तो टीम, वो स्पिरिट ऑफ कॉर्प कहता है कि एक दूसरे से हार्मनी होनी चाहिए, सब एक दूसरे मिलके काम करेंगे, उसे कहते हैं. वो तो खाली बोल रहा है उसके अंडर में कोई ना कोई काम तो करेगा ही ना. वॉलंटियर कौन होगा, कौन करेगा. दो पॉइंट आए. हाँ, कह सकते थे स्टैंडर्डाइजेशन, कह सकते सिंप्लीफिकेशन तो नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन कह सकते. हाँ नहीं, वो जैसे एक होता है ना ग्रेडिंग भी तो होती है, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग करना. बट चीजों को स्टैंडर्ड, जैसे ए स्टैंडर्ड ए, बी स्टैंडर्ड, सी स्टैंडर्ड, जबरदस्ती वो लगवा रहा, लगा दिया हमने भी. हाँ जी, अब सुनो, ऑर्डर एंड क्या डिवीजन ऑफ वर्क. पहले ऑर्डर पे आ जाओ. ऑर्डर क्या है, मटेरियल ऑर्डर बताओ पहले, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स. फिर क्या बताना है, सोशल ऑर्डर, प्लेसमेंट ऑफ पीपल. फिर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ बोथ, उससे क्या होएगा, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी. ऐसे डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क टेक्निकल और मैनेजरियल होते हैं, बांटो उन्हें, असाइन करो टास्क स्पेशलिस्ट को, एफिशिएंसी बढ़ेगी और स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना है. नेक्स्ट पेज नंबर 18. बोलो भाई. आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड फॉर द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम. फिर है टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड, ये हम पहले कर चुके हैं शायद, टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और फिर वैल्यू है नहीं. बोलो. आपका विद्यालय में रीजन हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इनकरेज दिस टीम बिल्डिंग थ्रू अ मिक्स ऑफ करिकुलर को करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. और इट्स फाउंडर्स डे अ स्टेज परफॉर्मेंस हैड टू बी पुट अप. अ कमिटी ऑफ 10 प्रीफेक्ट्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्लान डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शन. दे ऑल डिसाइडेड टू यूज रीसाइकल्ड पेपर फॉर डेकोरेशन. देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी. अब जैसे आया ना स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी, ऑल मेंबर्स सपोर्टेड ईच अदर, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, क्या बन गया, स्प्रिट डे कॉप. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस प्रोग्राम वाज सिस्टमैटिकली प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड. कार्तिक, वन ऑफ द प्रीफेक्ट्स, रियलाइज्ड दैट अननोइंगली द ग्रुप हैड अप्लाइड वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम. ही वाज सो इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द फंक्शन दैट ही आस्क्ड हिज फादर टू. ठीक है, बाकी तुम कर चुके थे. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये क्वेश्चन कितने नंबर का रह गया, अब दो नंबर का रह गया सिर्फ. पहले नंबर में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई बोल रहा है. स्कूल में तुम्हें हो सकता है सिर्फ आइडेंटिफाई में नंबर ना दे, बोले कि लिखो, जबरदस्ती लिखो, बोर्ड के हिसाब से सिर्फ आइडेंटिफाई करके भी दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे. बोलो. क्या बोल सकते थे, नहीं नहीं, वो तब बनेगा जब हम बोलेंगे सब लोग एक दूसरे मिलके काम करेंगे, तब होएगा वो हार्मनी, मिलके यूनिटी के साथ काम करेंगे. काम करवाना पड़ेगा ना सभी को. टीम बिल्डिंग से मतलब नहीं है, टीम तो बन जाती है, सब लड़ते मरते हैं आपस में. नेक्स्ट बोलो. क्वेश्चन नंबर जे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अब देखो यहां पर ध्यान देना, अब उसने बोला है बोर्ड ने डायग्राम, तो डायग्राम पक्का बनाना है. फंक्शनल फोरमैनशिप का एज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब एक बार ध्यान सुनो, कितने नंबर है बताओ पहले मुझे. हाँ भाई, कितने नंबर है, छ. सुन लो पहले, नहीं ये बहुत जरूरी है भैया, बाइफरकेशन समझ लो पहले. बाइफरकेशन में एग्जामिनर को ये कहा गया है, इफ एन एग्जामिनी हैज मेड एन इनकम्प्लीट डायग्राम बट हैज नेम्ड ऑल द फोरमैन इन द एक्सप्लेनेशन, वन मार्क कैन बी गिवन टू द, किस चीज का डायग्राम है, कितने का डायग्राम, डेढ़ नंबर का. तो पूरा डायग्राम बनाना है. और दूसरा, उसने ये नहीं बोला तीन पॉइंट बोलने हैं, सब बताना है. तो यहां पर सब कुछ बताया गया है, यहां पर तीन पॉइंट नहीं बोले गए. ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि डेढ़ वहां चले गए तो नीचे कितने पॉइंट होंगे. ऊपर उसने क्या बोला हुआ है, कोई पॉइंट्स तो बोले नहीं कितने, उसने बोला एक्सप्लेन करना है इस टेक्निक को. तो हम इस पूरी टेक्निक को एक्सप्लेन करते हैं. तो हाँ भाई, फंक्शनल फोरमैनशिप यहां पर बोला है, टीचर को हिंट दिया गया कितने पॉइंट, तीन. अच्छा, डेढ़ नंबर का अगर वो है तो कितने पॉइंट बचे, कितने नंबर के तीन पॉइंट हुए, डेढ़ डेढ़ नंबर का,
तीन पॉइंट डेढ़ डेढ़ नंबर के साढ़े चार और डेढ़ नंबर का इस तरह से हो जाएगा पूरा छः नंबर. फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक विच एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सुपरवाइजर एट शॉप लेवल. टेलर आइडेंटिफाइड अ लिस्ट ऑफ क्वालिटीज ऑफ द गुड फोरमैन और द सुपरवाइजर. सिंस ऑल द क्वालिटीज कुड नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन, इसलिए टेलर ने क्या किया, एट स्पेशलिस्ट बनाए. ये स्पेशलिस्ट क्या करेंगे, अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे, ये चीजें सेट करेंगे और वर्कर्स को बताएंगे, वर्कर्स उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे. हाँ भाई, इन दिस टेक्निक प्लानिंग इज सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन कौन करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्लानिंग कौन करेगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल, कौन सा, डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन. डिविजन ऑफ वर्क की बात कर रहा है, डिविजन ऑफ वर्क मैनेजर्स के लिए था, ये किसके लिए है, इसको क्या बोलते हैं, वर्कर्स के. यहां पर फैक्ट्री में क्या बन रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. डिवीजन ऑफ वर्क से भी क्या बनता था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैनेजर्स का. यहां किसका बनता है, वर्कर्स के लिए, लोअर लेवल के लिए. टेलर सजेस्टेड फोर फोरमैन फॉर प्लानिंग एंड फोर फोरमैन फॉर एग्जीक्यूशन. द फोर फोरमैन ऑफ प्लानिंग वर रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम कॉफ्ट एंड डिसिप्लिनरियन. एंड द फोर, उनका चारों के बारे में बता दो. द फोर फोरमैन ऑफ द प्लानिंग ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वर्कर्स, वही सारी चीज़ें बता दी गई हैं. एंड द फोर फोरमैन ऑफ एग्जीक्यूशन, जिनका काम क्या है, मशीन को मेंटेन करना, रिपेयर करना, सब कुछ वो बता देंगे सारे के सारे पॉइंट्स. हाँ, तभी हो जाएगा. जैसे हम लोगों ने याद किया हो वैसे लिख दो ना सीधा, कि ये दो तरह के होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, इसके अंदर ये होता है, ये होता है, सारे उतने में हो जाएगा छः नंबर. क्वेश्चन नंबर, मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, जिसको नंबर पूरे चाहिए वो एक बार ना वो नंबर्स का एनालिसिस पक्का करे कि किस बेस पे नंबर बढ़ रहे हैं, बाइफरकेट कैसे हो रहे हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1414. हाँ जी, अगेन बी पॉइंट तो है नहीं हमारे कोर्स में. स्टेट एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट given by Fayol and one characteristic of management mentioned. Bolo. Northern Tiffin Box Service was started in Mumbai by Mumbai Dhaba Wala. Dhaba nahi hai, Dhaba Wala. Ye pata hai na kyun ho raha hai ye? Ye wahi reason hai ye. Ha. Dhaba Wala was the store of entire Mumbai aimed to provide prompt and efficient services by providing tasty homemade tiffin to all workers. अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, खाली इसका डिस्क्रिप्शन है. अच्छा, पहले ये क्यों था, क्योंकि इससे हमें पॉइंट्स मिल जाते थे, कुछ और भी पूछ लेते थे इसके अंदर. तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, खाली वो बता रहे हैं डब्बा वाला फेमस है, डब्बा वाला बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, आईआईएम में जाता है अपने. आगे. हाँ भाई, अरे वो क्या नाम है, पार्थ बाबू, ये बताओ ये क्या स्प्रिट डे कॉप है? अभी नहीं भाई, क्या बात, तुम्हें समझ में आ गया मतलब, ठीक है. क्या ये है स्प्रिट डे कॉप? अभी भी नहीं है. अभी अभी भी नहीं है ये स्प्रिट डे कॉप, पक्का नहीं है. अच्छा, ये क्वेश्चन सही, ये तुमने सही बोला, पक्का नहीं. आगे बोलो. एक मिनट, नॉट ट्रांसफर्ड ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, क्या बोलते हैं इसको, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. डिसिप्लिन. आगे. आइडिया दिया, क्या ये इनिशिएटिव. तो फाइनली तुम्हें मालूम चला कि जो लाइन दी हुई थी कौन सी, जे वाली, ये क्या थी, जे कौन सी थी, ये स्प्रिट डे कॉप. अब पढ़ो तो पढ़ो, दोनों लाइनों में अंतर है. पहले लाइन में कहा था 25-30 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट में क्या बोला, सब आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कोऑपरेट कर रहे हैं ना, सब अलग अलग टीम बना के बैठे, सब लोग एक साथ मिलकर प्रॉपर तरीके से हार्मनी के साथ काम कर रहे हैं.
नहीं सुनो सुनो फिर से प्लान पढ़ो. पहला पहला क्या था, डब्बा वाला ऑपरेट्स इन अ ग्रुप ऑफ 25-30 पीपल, यहां तो कुछ नहीं मालूम चला. फिर उसने बोला ईच ग्रुप टीम टीम्स अप, यानी पांच पांच लोगों की टीम बनाई गई विद अदर ग्रुप, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के साथ क्या किया, मिलकर काम किया इन ऑर्डर टू डिलीवर द टिफिन ऑन टाइम. तो अब क्या हो गया, दो ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, स्पिरिट डे कॉप. हाँ वो तो मैं बात कर दो ली, नीचे था ना वो तो. हाँ तो अच्छा अब फिर से वापस आते हैं क्वेश्चन में. उसने बोला था स्टेट वन प्रिंसिपल एंड वन करेक्टरिस्टिक, यानी दो नंबर है तो एक नंबर तो प्रिंसिपल का हो गया, एक इसका हो गया. तो एक चीज क्लियर है, चार चार मिल तो गए हैं लेकिन लिखने कितने हैं, यानी वन. अच्छा स्टेट दिया है, स्टेट का मतलब आइडेंटिफाई भी और एक्सप्लेन भी. ऐसे ही वन करेक्टरिस्टिक, बहुत सारी करेक्टरिस्टिक वैसे ही मिल चुकी थी. वैसे हमारे पास तुम्हें याद होगा हम लोग पढ़कर रहे थे सात करेक्टरिस्टिक. पहली क्या थी, गोल ओरिएंटेड, दूसरी ग्रुप एक्टिविटी, तीसरी कॉन्टिन्यूस, फोर्थ ऑल परवेसिव, नेक्स्ट डायनेमिक, दो बची मल्टी डायमेंशनल. मेरा सबसे फेवरेट लड़का एक ही है, वो वाला, वो लड़का फेवरेट है, वो आग लगा देगा, वो आग. उसके नंबर, अरे मैं बता रहा, पहले बता दूं, पहले नहीं तो ऐसा रह जाएगा यार. कितने नंबर आए तुम्हारे, अरे नहीं बोलने का, कितने नंबर आए तुम्हारे, नहीं नहीं तुम्हारे नंबर कितने आए थे, 22 नंबर. मैंने, मुझे मालूम चला इसके मतलब 15, मैंने ये नहीं हो सकता, इसकी शक्ल देख के मालूम चला कि इसके नहीं हो सकते 15 नंबर. फिर हमने इसकी गहराई में रिसर्च की तो मालूम चला कि कातिल लिखा है, कातिल. किसके तुम में से किसके 23, अरे वो अगली बात देखो तुम पे पीछे कर देगा देखना. 24 आने जी, चलो हाँ नेक्स्ट कौन सा बोलो बेटा, क्वेश्चन 17. हाँ भाई, एन्यूमरेट एनी टू टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक, ये तो फ्रीट हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं. इन्होंने क्या, कोई बात नहीं, ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ऊपर भी आया था, ऊपर भी हाँ टेक्निक में ले लेना ना. हाँ भाई ऊपर भी आया था, नहीं नहीं अभी एक और क्वेश्चन आया था थोड़ी पहले ऊपर, वहाँ भी लिखा था टेक्निक, फोरमैनशिप इज अ टेक्निक ऑफ. हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, पीछे भी तो आया था क्वेश्चन अभी. हाँ जी, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक, कोई भी दो बोलनी है. यू चिंगम गर्ल, चिंगम खा रही हो चिंगम, अरे वही तो बता रहा हूँ मैं इसको, अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था, तब तो तुमने पूछा नहीं अली बात पहले, तो अभी भी वही बोल रहा हूँ मैं कि इसमें लिखा हुआ है कि टेक्निक है तो हम वो मानते हुए चलेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना. हाँ जी, तो टेक्निक्स वैसे कौन कौन सी है, हम सीधे सीधे टेक्निक बोल रहे हैं. पहली, एक मिनट, पहली वर्क स्टडी के अंदर आती है चार, पहली टाइम स्टडी, फटीक स्टडी, मोशन मेथड, इन सबको मिलाकर स्टैंडर्डाइजेशन, फिर मेंटल. हाँ 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 इसमें लिखा है तो मानना पड़ेगा, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड कह रहे हैं, तो ये बोर्ड के पेपर में बोल रहा है टेक्निक मान रहा है तो हम मानेंगे इसे टेक्निक. हाँ भाई क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, बोलो. फ्रॉम द अबव आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी वन जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एनी वन डायमेंशन भी बताना है. चलो ये तो साथ साथ खेल देंगे, यहां लिख लेना चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों ही इसमें. एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द वैल्यू जो हम बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. हाँ भाई बोलो भाई. रुक जाओ भाई, मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर क्या बोलते हैं इसको, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल. नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे बोलो. कौन सा एनवायरमेंट है, लीगल एनवायरमेंट लॉ है इसलिए, सोशल क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल अबे क्या बोल रहा है ये, पहले नहीं एक भी दोबारा बोलो, अरे जबरदस्ती ढूंढो कि सोशल, अबे रुक तो जाओ यार, जबरदस्ती कल्चर है, भगवान ने दिया है हमें
यूज भी करना होता है, पूरा पढ़ लो। वो कंपनी का कल्चर बोल रहा है, वो कल्चर किसका होता था? सोसाइटी का। बोलो दोबारा से बोलो बेटा। इंडिविजुअल क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, क्या बोलते हैं इसे? इनिशिएटिव। आगे टीम वर्क, क्या बोलते हैं इसको? स्पिरिट डे कॉप। नहीं नहीं बोलो ना, बोलो बोलो, क्या कौन सा कंफ्यूजन है? नहीं ये धक्का नहीं है भाई, ये है। नहीं नहीं इसमें दो क्वेश्चन साथ में है ना, इसमें एक पहला बोल रहा है जनरल प्रिंसिपल ढूंढना है, और दूसरा उसने बोला हुआ है वन डायमेंशन भी ढूंढना है। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जो मिलता चला गया, हम सब पे डिस्कशन करते चले गए। तुम जबरदस्ती तुम्हारे दिमाग में क्या है डायमेंशन? अरे नहीं डायमेंशन नहीं है भाई। और एक और चीज पढ़नी है भाई, कल्चर कंपनी की बात कर रहा है, कंपनी का कल्चर तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सोशल में क्या आता है? सोसाइटी का कल्चर। हाँ भाई तुम आगे बढ़ो। तो अब क्या यहां पर वन वन पूछा है ना सिर्फ, तो यहां से इन में से तीनों में से कोई भी एक या फिर इन दोनों में से कोई भी एक बताओगे और उसको एक्सप्लेन भी, आइडेंटिफाई एंड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 40 पे, पेज नंबर 4444, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एम। हाँ भाई, यूनिटी ऑफ कमांड का एम क्या होता है? कि कहीं भी एक बॉस दो, बताओ एक सबॉर्डिनेट दो लोगों से ऑर्डर डाल ले, इसे बोलते क्या है? प्रिवेंट करता है ये ड्यूल सबॉर्डिनेशन को, कि हम सिर्फ एक आदमी के सबॉर्डिनेट हो, दो लोगों के सबॉर्डिनेट हम ना हो। ऐसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या प्रिवेंट करता है? ओवरलैपिंग को। कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है सब लोगों का डायरेक्शन जब एक होएगा, हाँ भाई जब क्या होगा, सबका डायरेक्शन एक होएगा, तो ऐसे में ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, हर काम को प्रॉपरली बांटा जाएगा, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बोलो। नॉट फॉलोड बोल रहा है, वैल्यू नहीं है। एक मिनट, अब इसने बोला है नमिता की परफॉर्मेंस असलम से बढ़िया थी, आगे। जैसे इसने कह दिया कि वो इसलिए उसको प्रमोशन नहीं दिया गया क्योंकि वो फीमेल मेंबर थी, इसे क्या बोलते हैं? क्या वॉयलेट किया हमने? इक्विटी को वॉयलेट किया। इट एडवोकेट्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन एज फार एज एनी। हाँ भाई वापस आ जाओ जरा फटाफट इधर। कहां पर था हमारा ये, कौन सा पॉइंट है? इक्विटी। पहला पॉइंट बताओगे नो डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा बताओगे इससे क्या आता है? फेयरनेस आती है, काइंडनेस आती है, जस्टिस आती है, और उससे लॉयल्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 853। स्टेट द रोल ऑफ स्पीड बॉस। ये क्या देखता है कि जो वर्कर है वो टाइम से काम कर रहा है या नहीं? तो द रोल ऑफ स्पीड बॉस फोरमैन इन फंक्शनल फोरमैनशिप इज टू एंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन। लेकिन हम देखना चाहेंगे कि बच्चे ने क्या लिखा है। इन फंक्शनल फोरमैनशिप स्पीड बॉस एंश्योर्स दैट द वर्क इज कंप्लीटेड टाइमली इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैं पहले बोल चुका हूँ, जबरदस्ती कहीं भी लगा सकते हैं इसे। एंड ही वर्क्स अंडर द प्रोडक्शन मैनेजर एंड इज कंसर्न्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। क्योंकि ये किस में आता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? एग्जीक्यूशन। और दूसरा डिपार्टमेंट क्या था जो करता था? प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 61। एक्सप्लेन ही 4 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हाँ भाई इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, एक मिनट। सबसे पहला क्या था? यूजफुल, लिख लो। नंबरिंग, नंबरिंग, नंबरिंग बदतमीजों। यूजफुल इंसाइट मिलती है, क्या मिलती है? यूजफुल
इंसाइट पॉइंट नंबर टू, जब यूजफुल इंसाइट मिलती है तो हम बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, जिसकी वजह से हम साइंटिफिक डिसीजन ले पाते हैं, जिसका फायदा क्या होता है, हम एनवायरमेंटल चेंज के बाद हम भी चेंज हो जाते हैं। और लिमिटेड कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती हैं और एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च में भी हेल्प करते हैं। तो अब तो दुनिया बदल चुकी है ना यार, अब तो दुनिया बदल चुकी है ना, तो अब की बात करोगे पहली की बात करोगे? तुमने ये पिछली क्लास में नहीं थे तुम? हाँ, तो जो अब बताया गया ये इसको करोगे तुम, अब तो कुछ करना नहीं है पुराना। क्या तुम्हें पुराना याद है? तो वही कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक मिनट एक मिनट, उससे पहले ना हम आएंगे जरा इस बच्चे ने लिखा क्या है। देखो भाई, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। बेटा जी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐड टू द नॉलेज ऑफ द मैनेजर्स। अब ज्ञान को बढ़ाते हैं, दे हेल्प देम टू क्या लिखा है, लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड सॉल्व रिकरिंग प्रॉब्लम क्विकली। Does a manager understanding? मतलब अब तुम देख रहे हो, ये एक इन जनरल है पॉइंट, तुम लिखने के बाद अपने तरीके से तुम उसको बता सकते हो। साइंटिफिक डिसीजन में क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर्स टू डिसीजन मेकिंग विच इज थॉटफुल ऑब्जेक्टिव एंड जस्टी, वो भी है, एंड दे आर बेस्ड ऑन फैक्ट और टाइमली रिलेटेड। तुम्हें क्या बता रहा है, सिंपल बोल दो, इसमें डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट पे बेस्ड होता है, जिसकी वजह से ये क्या नाम है, लॉजिकल एंड ब्लाइंड वो सब। तो तुम्हें देख रहे होगे, ये इसने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखी है, तभी नंबर पूरे मिले हैं, क्योंकि तुम्हारा पॉइंट भी पिछले 5-10 क्वेश्चन करने के बाद टीचर के माइंड में आता है कि इसको आता है, फिर वो उसे हेडिंग पढ़ता है और नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सही लिखना है। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट सैंपल पेपर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर, व्हाट डिड टेलर वांट टू कम्युनिकेट थ्रू मेंटल रिवॉल्यूशन। हाँ भाई, वापस आते हैं, व्हाट इज मेंटल रिवॉल्यूशन, एम्प्लॉयर्स की तरफ से और एम्प्लॉय की तरफ से। एम्प्लॉयर को अपने एनलाइटेंड एटीट्यूड रखना चाहिए और लोगों को शेयरिंग बांटनी चाहिए, और इंप्लॉइज को क्या करना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। तो टेलर एम्फेसाइज क्या कहता है, वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन द थिंकिंग एंड द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स टूवर्ड ईच अदर। मैनेजर्स शुड शेयर सरप्लस एंड वर्कर्स विद द वर्कर्स एंड द वर्कर्स शुड फुली डिवोटेड। नेक्स्ट 88 23 76 क्वेश्चन 23, briefly explain work study technique that helps in developing standard throughout the, तो work study में चार आते हैं, time study, motion study, fatigue and 6 number है। अभी 6 number का है, मतलब हर एक कितने का हुआ, डेढ़ number का, तो उसके accordingly ही हम इसके अंदर और प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, जो यहाँ लिखा गया है एटलीस्ट इस लैंग्वेज को जरूर अपने आंसरों में लेकर आए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन ब्रीफली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड ऑर्डर। तो आओ देखते हैं, पहली बात तो यहां देखते हैं, एक और चीज समझ लो, ये जबरदस्ती नहीं बनाना है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है, दिस शुड बी वन हेड, सॉरी देयर शुड बी वन हेड वन प्लान। बोले तो क्या, ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द कॉमन गोल। अगेन वही सेम बात है, कान ने ऐसे पकड़ लिए हैं, कोई बात नहीं, फायदे बता रही है, बता रहा है बच्चा। एनश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। कैसे ये होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन और कोऑर्डिनेशन से, जो पॉइंट इसमें दिए हुए हैं हमने दिए हुए हैं, एंड हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ जबरदस्ती का फिर से ग्रुप गोल। हम इसका एग्जांपल जरूर पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, इफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स बोथ कार एंड मोटरसाइकिल, इट शुड हैव सेपरेट डिविजन्स फॉर बोथ, ईच डिविजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज प्लान एंड एग्जीक्यूशन, सॉरी जो भी है,
एंड नो अकाउंट क्या कह रहा है ऑन नो अकाउंट वर्किंग ऑफ द क्या जी क्या वही मैं तुम्हें तभी पढ़वा रहा हूँ सुनो अरे सुन लो ये लड़कियों की तरह बात करने की नहीं हो रही है आगे देखो मतलब पढ़ाई चल रही है और ये इसने क्या लिखा है समझ ही नहीं आया ऐसे ही इसके ठीक बाद ये है ऑर्डर ऑर्डर में हमें क्या लिखना होता है पहले सोशल फिर मटेरियल फिर दोनों को कंबाइंड कर दो और प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ा दो और इसने एक एग्जांपल दिया है ये एग्जांपल हम जरूर पढ़ेंगे इफ वर्कर इज इन नीड ऑफ टूल ही मस्ट नो बॉक्स और टूल रूम इन विच इट विल बी फाउंड इफ ही नीड गाइडेंस फ्रॉम द सुपरवाइजर ही मस्ट नो द फिक्स्ड केबिन ऑफ सुपरवाइजर इफ हाँ भाई इफ नो फिक्स्ड प्लेस इज गिवन वर्कर्स विल वेस्ट द टाइम एंड द एनर्जी इन सर्च ऑफ टूल्स एंड बहुत मेहनत की इसने तुम्हें समझ में आ रहा है ना कुछ भी लिखने के नंबर मिलते हैं अगर तुम्हारे सारे पॉइंट सही तरीके से चले आ रहे हैं तो नेक्स्ट बोलो पेज 88 88 का 1515 बोलो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज बाय रिया बोलो ये सेम क्वेश्चन है पर नाम बदल दिया गया है नाम बदल दिया गया है रिपीटेड है रिपीटेड आगे बोलो वन वन टू सही नहीं है मतलब 112 में क्वेश्चन नंबर नेम दी कॉन्सेप्ट ठीक है वो सेम वाला है वही वाला ठीक है अच्छा ये कब आया था ये अच्छा कंपार्टमेंट में डाल दिया गया है ये इससे पहले भी आया था फिर दोबारा आ गया है ये जो भी कंपार्टमेंट देगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है वो ये है तो ऐसे लिख देना है अच्छा अब एक और चीज ध्यान देना कि तुम्हें इसको देख के मालूम चला कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो धक्के से फिफ्थ भैया भैया जी प्लीज यार रिकॉर्डिंग में तुम्हारी चली जाएगी मेरी आवाज नहीं आएगी क्या फायदा यार हाँ हाउ डू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन क्या बोल रहा है एक मिनट दोबारा मेरा ध्यान कहीं और चला गया है लैक ऑफ अटेंशन हाउ डू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड मैनेजर्स अच्छा यूजफुल इनसाइट बोल रहा है ठीक है क्या बोल रहे हैं हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू रियलिटी जो क्या बोलता है साइंस हाँ भाई क्या बोल रहा है ये यूजफुल इनसाइट मतलब हम पढ़कर आते हैं प्रिंसिपल हमें आइडिया मिलता है उनके एक्सपीरियंसिस के बेसिस पर हम भी अपने डिसीजन ले सकते हैं हमें हेल्प मिलती है क्विक डिसीजन मेकिंग में नेक्स्ट वन ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है नेचर बोले तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इज बीइंग हाईलाइटेड और बाकी दे रहा है नहीं कुछ और भी है एक्सप्लेन एनी थ्री अदर पॉइंट ठीक है ऊपर बोल रहा है एक पॉइंट ऊपर बताना है तीन और बताने हैं बाद में ये है क्या वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी थी सेवन पहला एक मिनट क्या था यार अबे रुको एक मिनट क्या अच्छा ठीक है हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया पहला कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन तीसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबल और मेनली इसके बाद जनरल और आ जाओ पढ़ते हैं बोलो बेटा
She knows that the principles of management are indeed intended to apply to all types of business as well as non-business, small as well as large, public sector. हाँ भाई क्या बोलते हैं इसको universal applicability, बाकी कोई भी चलेंगे, कोई भी चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 22 बेटा. बोलो है कोई. अच्छा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन प्रिंसिपल ऑफ सच साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जनरल प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय द वैल्यूज. है नहीं, नहीं बाबा नहीं. इसके अंदर क्या आ गया, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट भी जोड़ दिया है. उसके अंदर से वो सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से जनरल मैनेजमेंट पूछा गया था, यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट भी पूछा गया है. ये एड ऑन है इसके अंदर. तो अभी हम इस बार क्या ढूंढेंगे, इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट ढूंढेंगे. बोलो. सरकार फाउंडेशन इज एन एनजीओ वर्किंग टू इंप्रूव द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन विद मेडिकल नीड्स, द होमलेस एंड विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. अपार्ट फ्रॉम डोनेशन एंड कैश, दे कलेक्ट ड्राई राशन, ओल्ड क्लोथ, शूज, टॉयज, बुक्स, मेडिसिन एटसेट्रा फ्रॉम डोनर्स. एट सरकार फाउंडेशन ऑफिस इन लखनऊ, द मटेरियल कलेक्टेड इज सेग्रीगेटेड, क्लासिफाइड एंड पुट इन शेल्व्स एंड बॉक्सेस दैट आर लेबल्ड सिस्टमैटिकली. हमने कहा था यहाँ तक तो कुछ मिला नहीं था, खाली यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दे रहे थे. आगे बोलो. ये जनरल पे तो मैं क्या मिल चुका था, ठीक है. नहीं अभी वहाँ ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं बढ़ानी है. अभी तुम्हें सिर्फ साइंटिफिक बताने हैं. ऑफ जनरल पहले बात कर चुके हैं, अभी सिर्फ साइंटिफिक ढूंढना है हमें. हाँ भाई क्या बोल रहा है ये, फाउंडेशन डज नॉट क्लोज कंस्ट्रक्टिव सजेशंस. क्या बोलते हैं इसको, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. क्या चीज, वो तो टीम वर्क होता है ना, वो तो नहीं नहीं. अच्छा उसके लिए तो वो होती है ना, शेयरिंग होती है. शेयरिंग कहाँ दी है, शेयरिंग होती है उसमें तो. कॉपरेशन में क्या आता है, पार्टिसिपेशन है ना. और हार्मनी में क्या आता है, शेयरिंग. अभी क्लियर है ये तो, हमें सिर्फ एक ही बताना था इसके अंदर. अब एक मिनट, तीन नंबर का था और उसने बोला है वन प्रिंसिपल, इसका वन दोनों का एक एक बताना है, मतलब डेढ़ डेढ़ नंबर के हो गए. 125 124 या 125, 125. बोलो. Identify and briefly explain any four principles of management given by the FAOL which Rajat highlighted in his address to the employee. Dusra nahi hai. Rajat joined as the CEO of Bharat Limited, a firm manufacturing computer hardware. On the first day he addressed the employees, he said that he believed that a good company should have an employee suggestion system. And he built ek minute, yahan par employee suggestion system. Aage bolo. And he wished to minimize the employee turnover. क्या बोलेंगे इसको, stability of tenure. To maintain organizational efficiency, he informed all employees that he would ensure that all agreements were clear. Agreement, discipline. And there was judicious application of penalties. However, he said that he believed that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone was equal in the eyes of the management. Equity. Also, that he would want to promote a team spirit. Spirit de corps among employees, which would give rise to a spirit of mutual trust and belongingness among team members and eventually minimize need for using penalties. He told all present that the interest of the organization should take priority over the interest of one individual. Subordination of individual interest into? General. अच्छा कितने नंबर का था ये, एक मिनट, चार. तो कितने बताने, चर्च फोर दिए हुए थे डायरेक्ट, ठीक है. जब भी ऐसा हो ना तो जिसमें भी अगर ज्यादा प्रिंसिपल मिल रहे हो तो उसी को यूज करो जो तुम जिसमें स्ट्रांग हो. वन क्या हो गया, बोलो बोलो. हाँ कोर्ट लिखना क्यों नहीं आता, अगर तुम कोर्ट कर लोगे तो लिख भी दोगे यार उसको अपने. वो तुम्हें सुना, सुनो एक मिनट, टेंथ से पढ़कर आया होगा ना, अनसिन और वो क्या कहते थे, एक्टिव और पैसिव वॉइस, वही कर देना है.
एक्टिव वॉइस में तो पैसिव कर देना, पैसिव वॉइस में तो एक्टिव कर देना. 133 क्वेश्चन नंबर बोलो भाई. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉलोड बाय द बोलो. वैसे उसने बोला है, ऊपर उसने बोला है कि साइंटिफिक नहीं था, ठीक है, एंड ही बिलीव दैट देयर वाज वन बेस्ट मेथड. ये इसे बोलते क्या है, एक मिनट पहले इसने बोला है प्रिंसिपल भी मांगा और टेक्निक भी मांगी है. ये तो टेक्निक है ना, क्या बोलते हैं इसको, मेथड स्टडी. आगे बोलो. हाँ भाई, अब एक चीज ध्यान देना, एक और पॉइंट था यहाँ पर, ट्रेनिंग दी थी. ट्रेनिंग दी थी तो ट्रेनिंग क्या था, ट्रेनिंग को बोलते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. यहां पर दिया था उन्होंने मेथड स्टडी, जो किसका पार्ट है, कौन से प्रिंसिपल का पार्ट है, ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो प्रिंसिपल आ गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जिसके अंदर टेक्निक मिल गई हमें, मेथड नहीं, ये ऊपर दिया हुआ ना उन्होंने, ही ऑब्जर्व दैट द मेथड साइंटिफिक फॉलो नहीं करते. तो उसने बोला कि मेथड स्टडी एक बेस्ट मेथड लेकर आओ, तो कैसे आएगा, कौन से प्रिंसिपल से आएगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के अंदर ही तो आता है मेथड स्टडी. हाँ जी, अच्छा सुनो जरा ना, एक बार ना ये और पढ़ो जरा इसमें, एक मिनट, 6 नंबर है ना, एक मिनट ना इसको पढ़ो जरा, सुनो इन दोनों पॉइंट को पढ़ो एक बार, टेक्निक ऑफ, अभी बता रहा हूँ एक मिनट, जाओ ना, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कौन सी टेक्निक्स थी बोलो एक बार. मेथड स्टडी, इट इज द स्टडी टू फाइंड आउट बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, ठीक है, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूव द क्वालिटी एंड मैक्सिमाइज सैटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करता है. इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर, ठीक है. गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस inequalities of income through taxes and public expenditure. It can impose taxes on the rich, reducing their disposable income. The amount so collected can be spent to provide free services like education, health, etc. to the poor for raising their standards. कुछ गलत चीज हो गई है, गलत आ गया कुछ. ये ऊपर दिया है टू बी मार्क्ड एज अ होल, अन्य आई थिंक, मुझे लगता है इसमें दो क्वेश्चन नहीं, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा. हाँ तुम सुनो, आई थिंक अगर इसके अंदर हम तीन बोल रहे हैं कि दो प्रिंसिपल मिल रहे हैं और एक टेक्निक मिल रही है, तो ऐसे में दो दो नंबर के हो जाएंगे तीनों. हाँ ठीक है, डेढ़ आधे नंबर का आइडेंटिफिकेशन हो गया, डेढ़ नंबर का ये हो गया, दो नंबर. सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या कहना चाह रहे हो बोलो ना. कौन सा लाइन द्वारा बोलो, कौन सी लाइन बोल रहे हो, नीचे से थर्ड लाइन भाई पढ़ो, बड़े यहाँ से पढ़ो. द प्रोडक्शन मैनेजर नहीं, वैसे तो पहली बात तो ये बोल रहा है प्रोडक्शन मैनेजर कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर, मैनेजर तो मिडिल लेवल पे आ गया ना. नहीं नहीं, मेन चीज़ तो हो गई ना, प्रोडक्शन मैनेजर कर रहा है ये काम, तो प्रोडक्शन मैनेजर कहाँ पर होएगा, मिडिल लेवल का आदमी हो गया वो, जबकि ये कौन करता है, सुपरवाइजर्स करते हैं. आगे बोलो नेक्स्ट, 139
21 बोलो It is a company in which people dream to work because of its work environment, pay and growth prospects. The company has a culture of open communication and people of various nationalities work together in a discrimination-free environment. हाँ भाई discrimination-free क्या बोल दिया इसने equity आगे. The behavior of managers of Divan Limited emphasizes kindliness and justice, which ensures loyalty and devotion of workers. It also promotes mutual trust and belongingness among team members. उसने यहाँ पर बोल दिया था म्यूचुअल ट्रस्ट एंड तो हमें दोनों पॉइंट मिल गए स्प्रिट एक कॉप और नेक्स्ट वन फोर्टी ये क्वेश्चन जो है फिर सुन लो मैं कह रहा हूँ ये वो क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर का पेपर आया था उससे पहले एडवाइस किया गया था ये कि इस तरह का क्वेश्चन आने की चांसेस हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द टेलर एंड द फ्योल रेफर्ड छह नंबर है अब यहाँ पर दो क्या बोल रहा है प्रिंसिपल भी बोल रहा है और टेक्निक भी बोल रहा है फ्योल की भी हो सकती है और टेलर की भी हो सकती है क्या चीज अरे तो समझ लो ना ये तो समझा रहा है वो कह रहा है कुछ भी हो सकता है तुम्हें ढूंढना है कुछ मिला तुम कुछ नाखून नाखून में ढूंढ रही थी कुछ ये हाँ बोलो तो अब तो एंड हो गया अब तुम बोल दो चलो In order to make bakery products, the company directed its workforce to work overtime, but this resulted in multiple problems. Due to increased pressure, the efficiency declined and the workers had to take orders from more than one supplier. हाँ भी क्या बोल रहा है workers had to be take order from क्या हो गया unity of command आगे workers were overburdened and their health was also affected. हाँ भी health affected हो रही है ये भी क्या बोलते हैं fatigue study. नेक्स्ट क्लास टेस्ट होना है तुम्हारा चैप्टर